तो लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी। शंकर भगवान से नंदी कहता है, हमारा भरण पोषण कैसे हो। शंकर भगवान कहते हैं, नंदी मेरे शिवलिंग पर यदि, कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको, सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं, बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रसतत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया, फिर वो केवल नंदी, श्रृंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है, प्रेत भूत आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं, ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ, ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है, ये भगवान विष्णु है। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है, वो हाथ में सांप बंधे रहते हैं, वो दो हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप पांच नजर आते हैं, वो तो बताओ, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये पांचों लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आस पास भ्रमण करती, सभी ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं, पांच, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये जो पांच पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा, जिसने मंथन कराया, वासुकी नाग कौन सा, जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है,